कटिहार शहर में नारकोटिक ड्रग एवं नशीले पदार्थ को लेकर कटिहार पुलिस के अभियान में एक कारोबारी गिरफ्तार, स्मैक एवं कैश बरामद। कटिहार के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व पर नगर थाना प्रभारी राघवेंद्र कुमार सिंह ने टीम बनाया, जिसको लेकर शहर में ड्रग एवं नशीले पदार्थ को लेकर विशेष छापामारी अभियान चलाया गया, जिसको लेकर सदर अनुमंडल क्षेत्र में इस अभियान का नेतृत्व श्री ओम प्रकाश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कर रहे थे। इसी क्रम में थानाध्यक्ष नगर को गुप्त सूचना मिली कि नया टोला में एक व्यक्ति अपने घर से चोरी छिपे भारी मात्रा में स्मैक का खेप लाकर घर से बिक्री कर रहा है। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर उनके घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में इसे रंगे हाथ स्मैक बेचते हुए विधिवत गिरफ्तार किया गया। कटिहार के युवा को नशे की लत में ढकेलने की चल रही थी साजिश, कटिहार पुलिस ने कर दिया खुलासा। दरअसल कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के नया टोला से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है ड्रग्स के साथ, जिसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने नगर थाना कक्ष में प्रेस वार्ता कर दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। टोला का है, अपने घर में स्मैक का बिक्री कर रहा है। तो टाउन थाना इंस्पेक्टर साहब और प्रोफेसनर DSP साहब हैं, इनके नेतृत्व में टीम का गठन कर बड़े गुप्तनीय ढंग से और विधिवत विशाल मंडल के घर पर छापामारी किया गया, जिस छापामारी क्रम में विशाल मंडल स्मैक रंगे हाथ बेचते हुए पकड़ा गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार विशाल मंडल के पास से स्मैक 5.620 ग्राम, स्मैक तोलने वाला डिजिटल तराजू एक, गैस लाइटर, एंड्रॉयड मोबाइल सेट दो, नगद कैश 13,000 रुपया जो स्मैक बेच कर उसके पास आया था, और स्मैक पीने वाला फाइल पेपर 10 पीस ये बरामद किया गया, और सभी को विधिवत जब्त किया गया है और विशाल मंडल को गिरफ्तार किया गया और इनको न्यायिक हिरासत भेजने की तैयारी की जा रही है। कहाँ के हैं ये लोग? ये विशाल मंडल नया टोला के हैं। बरामद मूल्य का मूल्यांकन हो रहा है और जो आगे हम संधान के क्रम में पता चलेगा। और ये पूछताछ कंटिन्यू जारी है, ये और कहाँ से लाते हैं उस संबंध में हम लोगों को पता चला है, लेकिन उसकी सूचना भी हम लोग गोपनीय रख रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं हो, और हम लोग उसकी गिरफ्तारी करके फिर सूचित करेंगे। तो इनसे पूछताछ की जा रही है, ये बताया कि मैंने बरसों से कर रहे हैं और गुप्त ढंग से कर रहे थे, हम लोग इसको पर नज़र रखे हुए थे, नगर थाना के ऑफिसर नज़र रखे हुए थे, आज ये पकड़े गए।